नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है क्रिकिन शॉट में। चार मैचों की टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड को हराने के बाद अब भारतीय टीम की निगाहें T20 सीरीज पर होगी। पांच मैचों की यह T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। बात करें इंग्लैंड टीम की, तो इंग्लैंड में जो रूट की जगह अंग्रेज कप्तान एयन मॉर्गन वापस आ चुके हैं, और वहीं इंडियन टीम भी नए खिलाड़ियों के साथ नए युवाओं को मौका देकर आज के मुकाबले में उतरेगी। और दूसरी तरफ बात की जाए इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड T20 में नंबर वन रैंकिंग पर अभी है, और भारतीय टीम की बात करें तो वो तीसरे स्थान पर है। तो ये काफ़ी रोचक और दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद है। पांच मैचों की सीरीज़ का पहला मुकाबला आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों ही टीमें सीरीज को लेकर अपनी कमर कस चुकी हैं, जहां एक तरफ भारतीय टीम टेस्ट सीरीज में अंग्रेजों को 3-1 से मात देने के बाद आत्मविश्वास से लबरेज है, वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड टीम भी टेस्ट सीरीज में हार का बदला लेने के लिए बेताब है। वही बात करें आज के मुकाबले की, तो दोनों ही टीमों से रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है। ऐसे में बाजी कौन मारता है, ये देखना दिलचस्प होगा। आज के मुकाबले के लिए बात करने के लिए हम बुलाएंगे हमारे एक्सपर्ट कुशल आर जैन को, जो हमें बताएंगे कि किस तरह से ये मुकाबला कितना रोमांचक होने की उम्मीद है, और शाम को किस तरीके से इंडियन टीम इंग्लैंड टीम को मात दे पाएगी। कुशल, हाँ नमस्कार अब्दुल रकीब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे शो में बुलाया। तो जैसा कि आप जानते हैं क्रिकेट शॉर्ट में अपन क्रिकेट पे वीडियोस बनाते हैं, तो आज जैसा हमारा शो ही उस पर T20 सीरीज शुरू होने वाली है, तो उसमें क्या होना चाहिए, तो आप पूछ सकते हैं जो भी आपको मुझसे जानकारी लेंगे। कुशल, जैसे कि आपको पता है कि इंग्लैंड टीम जो है काफी अच्छे, जब T20 में खेलती है तो काफी अच्छी फॉर्म में आ जाती है। कई सारे उसके बैट्समैन जो है वो T20 फॉर्मेट के लिए ही बने हैं। दुनिया के नंबर एक जो बैट्समैन है T20 फॉर्मेट में मलान, वो इंग्लैंड टीम का ही हिस्सा है जो कि आज खेलेंगे। तो क्या लगता है जब टेस्ट सीरीज खेलने के बाद इंग्लैंड टीम T20 की फॉर्मेट की तरफ शिफ्ट होती है, तो कितनी खतरनाक हो जाती है इंग्लैंड की टीम? देखिए, आप अगर सारे टीमों को देखते हैं इस समय दुनिया के अंदर, तो सबसे बेस्ट टीम इस समय इंग्लैंड की, क्योंकि उनके पास वो फायर पावर है पहले नंबर से लेकर नंबर 8-9 तक। उनके पास ऐसी बल्लेबाजी है जो कभी भी आकर पहली गेंद से छक्के मार सकते हैं। तो आप अगर देखते हैं तो इंडिया ऐसी टीम है जिसको हराना बहुत मुश्किल होगा, वो टीम टू बीट है इस बार वर्ल्ड कप में। अगर हम देखें तो पहले इस बार वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, मगर अब देखें तो टीम अगर बेस्ट ऑन पेपर जो दिखती है वो इंग्लैंड है, चाहे फायर पावर की बात करें, और उनकी टीम वो दिखा चुकी है वर्ल्ड कप में, और वर्ल्ड कप से भी बेहतर टीम उनकी T20 के अंदर है। हाँ, जहां तक आपने बात की उनके पास नंबर वन प्लेयर है और काफी अच्छी बैंक स्ट्रेंथ भी है, अच्छे प्लेयर है, मगर ये नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया में ये वर्ल्ड कप होने वाला है, और इंडिया ने ऐसे कई युवा प्लेयरों को मौका दिया है, जो कि आपने कल अगर विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो उनने यही कहा है कि हमें आक्रामकता के साथ अब खेलना होगा। जो हमारा अप्रोच होता था वो अप्रोच अब बदलने वाला है, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि हम थोड़ा और एग्रेसिव क्रिकेट खेलें, जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट बाकी कंट्रीज खेल रही है। अगर हम बात करें इंग्लैंड की, न्यूजीलैंड की, चाहे अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है कि वो शुरू से ही अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया भी जो खेलती है बहुत कंजर्वेटिव अपनी है, फिर जाके सोचते हैं कि थोड़ा पार्टनरशिप बने फिर अटैक करें। मगर जैसे मैंने आपको बताया, कुछ यंग चेहरे आए हैं, जैसे अगर बात कर सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, मुझे बहुत उम्मीद है उन दोनों प्लेयर से कि वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अगर कुशल बात की जाए प्रिडिक्शन की, तो पांच T20 मैचों की सीरीज है, और इस T20 सीरीज के पांचों मुकाबले नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। जो मैदान ही टेस्ट सीरीज में विवादों में रहा था कि टर्निंग ट्रैक है, और कई तरह के ये आरोप भी लगे थे कि इंडियन टीम ने अपने मन मुताबिक इस मैदान की पिच तैयार कराई है, तो क्या लगता है T20 की सीरीज में भी इंडिया को फायदा मिलेगा इस टर्निंग ट्रैक से? नहीं, टर्निंग ट्रैक देखिए उस वो अलग है, टेस्ट क्रिकेट एक अलग फॉर्मेट है, T20 एक अलग फॉर्मेट है। यहाँ पर आपको बहुत अच्छी पिच मिलेगी, क्योंकि हमने अभी जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स भी देखे हैं वहाँ बहुत अच्छी पिच मिली थी, जहाँ पे काफी रन बनेंगे। मुझे लगा 200+ रन तो आप लेके चले हर मैच में, मुझे लगता बनेंगे, क्योंकि पिच जो होगी बहुत बैटिंग फ्रेंडली रहेगी और काफी मदद करेगी, यहाँ पर बल्लेबाजों को आसानी से रन कर सकते हैं। टर्न यहाँ आप नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर 8 पिचेस है, तो आप कौन से पिच पे खेलेंगे वो डिपेंड करता है पिच। वैसे मुझे लग रहा है टर्न तो करेगी, मगर उतने ज्यादा टर्न नहीं करेगी, क्योंकि इंडिया में खेल रहे हो तो आप टर्न एक्सपेक्ट करते हैं, और शुरू में स्विंग भी होगा बॉल, मगर देखिए वो एक प्रॉपर क्रिकेटिंग विकेट रहेगा जहाँ पर यहाँ बल्लेबाज को ज्यादा मदद रहेगी, मगर बॉलर भी प्ले में रहेंगे। मगर ओवरऑल जो आपने पिच की बात करी, वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड है अभी इंडिया में, अगर हम कहें वर्ल्ड में सबसे ब्यूटीफुल ग्राउंड अगर माने तो है वो लॉर्ड्स, और अगर हम MCG की बात करते हैं उसके मुकाबले,
तो ऑन पार है। अगर आप जैसे बात करते हैं स्टेडियम की, तो स्टेडियम बहुत अच्छी चीज है कि आपको 5 मैचेस खेलने को मिल रहे हैं। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ कि 5 मैचेस आपको खेलने को तो मिल रहे हैं यहाँ, मगर यहाँ पर एक फायदा इंग्लैंड का यही रहेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो इस बार T20 वर्ल्ड कप हो रहा है उसका नॉकआउट मुकाबले और फाइनल इसी ग्राउंड पर होने वाले हैं, तो इंग्लैंड को इससे काफी मदद मिलेगी, क्योंकि वो एक ऐसी टीम है जो यहाँ पे एक्सपीरियंस लेना चाहेगी। 5 मैचेस खेलेगी तो उनको एक एक्सपीरियंस होगा इस ग्राउंड के बाउंड्रीज का, कि पिचेस कैसे बिहेव करते हैं। आप अलग अलग पिचेस में खेलेंगे तो आपको ऑब्वियस है कि आपको आइडिया लग जाएगा कैसे यहाँ पर ग्राउंड और पिचेस बिहेव करता है। जैसा कि कुशल आपको पता है कि इंडियन टीम हमेशा ओपनिंग बल्लेबाजी के ऊपर निर्भर रहती है, तो ओपनिंग साझेदारी ही हमेशा T20 मैचों में 5 ओवर में पावर प्ले में 100 रन मार देते हैं, 80 रन मार देते हैं, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है जो सामने वाली टीम होती है। तो आज जो है ओपनिंग, विराट कोहली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर चुके हैं कि आज ओपनिंग रोहित शर्मा और केएल राहुल करेंगे। तो क्या आप उम्मीदें करते हैं केएल राहुल और रोहित शर्मा से कि किस तरह से वो टीम को इन शुरुआती ओवरों में आगे ले जाएंगे? देखिए, रोहित शर्मा और अगर केएल राहुल की बात करते हैं, उनका रिकॉर्ड बहुत शानदार है। उनकी शायद एवरेज की अगर बात करें तो 54 से ज़्यादा की एवरेज उनके पास, और काफ़ी विस्फोटक बल्लेबाज हैं। एक बार अगर सेट हो जाते हैं तो अपने दम पर मैच खत्म कर सकते हैं, इतनी काबिलियत उन दोनों में है। मगर यहाँ पर मेरा एक सवाल ये है कि अगर रोहित शर्मा की आप बात करते हैं या केएल राहुल की बात करते हैं, मगर तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या है? तीसरा ऑप्शन इंडिया ने रखा हुआ अभी शिखर धवन। हाँ जी हाँ, उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है ICC टूर्नामेंट्स में, हम जानते हैं, मगर अगर आप उनकी बैटिंग स्टाइल को देखते हैं तो वो उतना ज़्यादा खुलकर नहीं खेल पाते हैं। तो मेरा यही मानना है कि इंडिया को अब थोड़ा अपने यंगस्टर को बैक करना चाहिए। एक थर्ड ओपनर के लिए मेरे को लगता है उनको या तो वो सैमसन को लें, या अभी जो उनने मौका दिया है ईशान किशन, मैं इन दो प्लेयरों को देखता हूँ कि वो एज अ थर्ड ओपनर इंडिया की टीम में खेल सकते हैं, क्योंकि T20 में अब आपको कुछ नए यंगस्टर को मौका देना पड़ेगा ताकि वो जाते ही अटैक करें। मतलब उनका वो ऐसा एक्सेस बैगेज ना हो कि यार हमारा क्या होगा, अगर हम आउट हो गए तो क्या होगा, जो बेफिक्र खेलें और एक अच्छी शुरुआत दें। कि आपको देखिए, रोहित शर्मा थोड़ा टाइम लेंगे तो आप उन पर दबाव नहीं डालना चाहते, तो रोहित शर्मा थोड़ा टाइम ले, मगर सामने का ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो आते ही अटैक करे, और आते ही अगर वो अटैक करेगा तो आप क्या होगा, देखिए सामने जो बॉलिंग अटैक है वो दबाव में आएगा और फिर रोहित शर्मा को भी उसका फ़ायदा मिलेगा। तो मुझे लगता है कि दो ओपनर जो इंडिया के हैं वो तो फाइनल है, जो T20 में भी आपको दिखेंगे आगे जब वर्ल्ड कप होगा, जिसमें रोहित शर्मा है और केएल राहुल है। जो तीसरा ओपनर है मैं चाहता हूँ या वो संजू सैमसन हो या वो ईशान किशन हो। जैसे कि हम यहाँ बात करते हैं टीम इंडिया की गेंदबाजी की, तो आपको पता है कि इंग्लैंड की टीम की बेंच स्ट्रेंथ जो है काफ़ी मजबूत है। अब इयान मॉर्गन भी जुड़ चुके हैं, आपको पता है T20 में कितना उनका शानदार रिकॉर्ड है, और अगर दूसरी तरफ टीम इंडिया की बॉलिंग अटैक की बात की जाए तो भुवनेश्वर कुमार चोट से वापसी करके वापस आ चुके हैं, शार्दुल ठाकुर का प्लेइंग 11 में शामिल होने के लिए नाम सामने आ रहा है, राहुल चहर। तो क्या लगता है सिर्फ भुवनेश्वर कुमार के भरोसे इंग्लैंड टीम को शिकस्त दे पाना मुमकिन होगा? हाँ देखिए, बॉलिंग अटैक कमज़ोर है, क्योंकि आप अगर सामने पोजीशन देखते हैं यही बॉलिंग अटैक अगर आप देखते हैं तो अगर ऑस्ट्रेलिया जब इंडिया गया था तो यही बॉलिंग अटैक लगभग खेला था, जिसमें नटराजन थे और कई यंगस्टर थे, दीपक चहर थे, नवदीप सैनी भी खेले थे, शार्दुल ठाकुर भी खेले थे, वहीं इंडिया 2-1 से जीत गया था। मगर जैसा कि हम जानते हैं इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप सबसे विस्फोटक है इस समय, तो अभी बॉलिंग अटैक वीक है, मगर वर्ल्ड कप में आपको अच्छा बॉलिंग अटैक मिलेगा। यहाँ पर आपको शमी बुमराह दोनों वापस ही करेंगे, साथ में आपके पास भुवनेश्वर कुमार और नटराजन भी खेलेंगे। मगर इस मैच में जैसा कि हम जानते हैं कि नटराजन और वरुण चक्रवर्ती फिट नहीं है, वो फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाए थे, तो वो शायद इस सीरीज भी मिस कर सकते हैं। मगर अभी जो मुझे बॉलिंग अटैक लग रहा है भुवनेश्वर कुमार पर काफ़ी दारोमदार रहेगा, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार सीनियर बॉलर हैं और उनका T20 में लगातार अच्छा प्रदर्शन है। और साथ में जैसे अगर उनको आप अगर बात करें, उनके साथ जो बॉलिंग अटैक है, दीपक चहर खेलने वाले हैं, एक मुझे लग रहा है नवदीप सैनी खेलेंगे शार्दुल ठाकुर से पहले, क्योंकि नवदीप सैनी जो है थोड़ा एक्स्ट्रा पेस लेके आते हैं अपने साथ, और उनका एक्स्ट्रा पेस कारगर साबित हो सकता है इंडिया के लिए। कुशल, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो युवा खिलाड़ी हैं टीम इंडिया में, शुरुआत में केएल राहुल, रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करके फिर विराट कोहली आएंगे, लेकिन जब आप मध्य क्रम की बात करते हैं, मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं तो वहाँ पर ऋषभ पंत, ईशान किशन, इस तरह के जो नए खिलाड़ी हैं, ऋषभ पंत को आप देख ही चुके हैं कि कितने शानदार फॉर्म में चल रहे हैं ऋषभ पंत, ईशान किशन, तो इन लोगों से क्या उम्मीदें हैं? और अगर मैं बात करूँ सूर्य कुमार यादव की, जो कि मुंबई इंडियंस से खेलते हैं IPL में, और IPL का सफ़र तय कर ही उन्होंने अब इंडिया टीम में जगह बनाई है, तो काफ़ी मंझे हुए खिलाड़ी T20 फॉर्मेट में, तो क्या लगता है ये मिडिल ऑर्डर से क्या उम्मीद है? अगर टॉप ऑर्डर फेल होता है तो क्या मिडिल ऑर्डर संभाल सकता है टीम इंडिया को? मैंने हमेशा ये माना है, देखिए अब रकीब की जैसे इंडिया का मिडिल ऑर्डर है, बाकी मिडिल ऑर्डर हम देखते हैं काफ़ी
उतना अच्छा नहीं रहा था, मगर अभी मुझे लग रहा है सूर्य कुमार यादव के एडिशन से इंडिया का मिडिल ऑर्डर अच्छा होगा, क्योंकि सिर्फ विराट कोहली के ऐसे प्लेयर नजर आते थे पहले कि जो आपको लगता है कि थोड़ा संभाल भी लेंगे और अटैक भी कर सकते हैं। बाद में आपने बात की श्रेयस अय्यर, श्रेयस अय्यर ठीक है उनका हालिया फॉर्म उतना अच्छा नहीं रहा है, हमने आईपीएल में भी देखा था, फिर बाद में जब उनको मौका भी मिला था वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया में, फिर टी20 सीरीज में, तो श्रेयस अय्यर के साथ मुझे एक जो चीज़ नजर आती है काफ़ी लिमिटेड प्लेयर लगते हैं उनके पास, वो शॉट्स उतने ज़्यादा नहीं है बैंक में। मगर अगर मैं आपको बताऊं सूर्य कुमार यादव मुझे ए बी डिविलियर्स की याद दिलाते हैं खासतौर पर, क्योंकि आपको थोड़े हंसी आएगी इस बात में क्योंकि ए बी डिविलियर्स बहुत बड़ा नाम है वर्ल्ड क्रिकेट में, मगर देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि ए बी डिविलियर्स की जो खासियत थी वो मिडिल ऑर्डर में खेलते थे, साथ में उनके पास वो कैपेबिलिटी थी कि वो फास्ट बॉलर को भी पीछे कहीं भी 360 मार सकते थे, वही कैपेबिलिटी मैंने सूर्य कुमार यादव में आईपीएल में देखी थी, उनने जोफ्रा आर्चर को आपने देखा था बाउंसर पड़ने के बाद एक पीछे जो छक्का मारा था उनको गाइड कर दिया था, तो उनके पास वो शॉट है वो रिवर्स भी खेल सकते हैं, वो 360 खेल सकते हैं, तो एक ऐसा बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर में होगा कि जो गेम चेंज कर सकता है, मतलब आप उसको फंसा नहीं सकते, चाहे वो कहीं भी शॉट मार सकता है, क्योंकि आप श्रेयस अय्यर को लाएंगे, श्रेयस अय्यर नंबर चार पे, मुझे नहीं लगता उनके पास उतने शॉट्स हैं, अगर उनको बल्लेबाज अगर फंसा ले तो निकलना उनके लिए मुश्किल होगा, मगर सूर्य कुमार यादव मेरे लिए मैन टू गो हैं इस समय नंबर चार पे, उनको लगातार अगर इंडिया मौका देगा मुझे उम्मीद है कि ये बहुत वैल्यूएबल एडिशन होगा इंडिया टीम में, जो इंडिया को वर्ल्ड टी20 जिताने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कुशल आखिरी सवाल, इन 5 मैचों की टी20 सीरीज में लग रहा है कि मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा, काफ़ी रोमांचक ये सीरीज हमें देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि दोनों ही टीमों में किसका पल्ला भारी रहेगा इन 5 टी20 सीरीज में? ऑब्वियसली मैं एज अ फैन तो मैं यही चाहूँगा कि इंडिया टीम जीते, मगर इस समय पड़ला 50-50 ही रहेगा, क्योंकि मैंने कहा कि पिचेस दोनों के लिए बराबर ही रहेंगी, हालांकि इंडिया में मैच है मगर काफ़ी अच्छी पिचेस रहने वाली हैं आपको अगर मैं सही बताऊँ तो, और पिचेस अगर अच्छी होंगी आप पड़ले की बात करें इंडिया अपना फुल स्ट्रेंथ साइड नहीं है अभी इंडिया के अगर हम देखें, मगर इंग्लैंड अपनी फुल स्ट्रेंथ साइड के साथ आया है, तो थोड़ा सा पड़ला इंग्लैंड का भारी जरूर है, मगर इंडिया से मैं उम्मीद करूंगा अगर वो सही प्लेइंग 11 खिलाता है, मुझे प्लेइंग 11 में इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर इंडिया श्रेयस अय्यर कोई नंबर चार खिलाता है और वही अगर अप्रोच के साथ जाता है तो मुझे लग रहा है इंग्लैंड का थोड़ा पड़ला भारी रहेगा, मगर इंडिया अगर सूर्य कुमार यादव और अपना एक अप्रोच जो विराट कोहली ने कल बात की अगर वो दिखाता है सही में मैदान पे, तो मुझे लग रहा है ये मैच 50-50 है, यहाँ पर कोई भी रिजल्ट आ सकता है, इंडिया भी 3-2 से जीत सकता है, इंग्लैंड भी 3-2 से जीत सकता है, तो मुझे लगता है कांटेदार सीरीज होने वाली, टेस्ट सीरीज की तरह आपको वो सीरीज नहीं मिलेगी जहाँ पर वन साइडेड अफेयर रहा था, जहाँ पर इंग्लैंड ने आपको इंग्लैंड हार गया था 3-1 से, तो यहाँ पर मुझे लगता है कांटे की टक्कर रहेगी। मगर हम वीडियो को ख़त्म करने से पहले थोड़ी बात इंग्लैंड पे कर लें तो ज़रूरी रहेगा, क्योंकि कई ऐसे दर्शक हैं जो ये भी जानना चाहेंगे कि इंग्लैंड की आपको कैसी टीम नज़र आ रही है, तो मैं आपसे एक भी प्रश्न पूछना चाहूँगा कि इंग्लैंड के पास भी आप जानते हैं कमाल के ओपनर हैं, उनका मिडिल ऑर्डर शानदार है, नंबर वन प्लेयर उनके पास है, तो आपको क्या लगता है कि इंग्लैंड का क्या अप्रोच रहना चाहिए? देखिए कुशल मैं आपको बता दूं कि इंग्लैंड इस वक्त नंबर वन टीम है टी20 फॉर्मेट में, और वो नंबर वन टीम सिर्फ और सिर्फ अपने प्लेयर्स की वजह से बनी है, तो क्योंकि पूरे दुनिया में इस वक्त टी20 फॉर्मेट में क्रिकेट खेल रही है इंग्लैंड, और खेल कर ही नंबर वन पायदान पर वो पहुंची हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्लेयर्स की वजह से पहुंची हैं। आप देख लीजिए जोफ्रा आर्चर, एन मॉर्गन की कप्तानी, डेविड मलान, जोनी बेरेस्टो, तो मतलब ये जो भी खिलाड़ी हैं, ये जॉस बटलर को आप देख लीजिए, तो ये जो भी प्लेयर्स हैं ये सिर्फ टी20 फॉर्मेट के लिए बने। आपने जब देखा टेस्ट सीरीज में जॉस बटलर का बल्ला खामोश रहा और जोनी बेरेस्टो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, तो ये उस फॉर्मेट के खिलाड़ी नहीं है टेस्ट सीरीज के, लेकिन जब यही खिलाड़ी नीली जर्सी पहनकर इंग्लैंड के लिए टी20 फॉर्मेट में उतरते हैं किसी भी टीम के खिलाफ, तो ये खिलाड़ी काफ़ी ख़तरनाक हो जाते हैं और ये खिलाड़ी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, और इसी प्रदर्शन की वजह से ये टीम काफ़ी ख़तरनाक हो जाती है। अगर हम यहाँ पर 12th प्लेयर जो है इंडिया का उसकी बात ना करें तो वो वीडियो के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा और ये हमारी क्रिकेट टीम के लिए भी जाती होगी, अगर हम बात करें क्राउड्स की, क्योंकि अब क्राउड्स आने वाला है 50,000 जो कैपेसिटी बताई जा रही है कि वो रहेगा, वो कितना इंपॉर्टेंट योगदान देने वाला है इंडिया के लिए, कितना सपोर्ट रहेगा, साथ में दबाव क्या रहेगा इंग्लैंड के ऊपर जब क्राउड इतना रहेगा तो? देखिए जहां आपने बात की क्राउड की, तो इंडियन टीम अभी एक साल से क्रिकेट बनता, हर खेल बनता कोरोना की वजह से, लेकिन अब जो है कोरोना काबू में आ चुका है, 12th प्लेयर इंडिया का जो है फैंस वो वापस आने लगे हैं मैदानों में, और एक अलग ही माहौल फिर से अब शुरू हो चुका है भारत में।
तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडिया के लिए प्लस पॉइंट रहेगा। और दूसरी तरफ अगर मैं इस क्राउड को विराट कोहली से जोड़ूं, तो आपने कई दफ़ा देखा होगा कि मैच के दौरान विराट कोहली कई सारे ऐसे साइन यूज़ करते हैं जिससे वो दर्शकों को ये बता दें कि हमारा सपोर्ट करें, या फिर आप सामने वाली टीम को प्रेशर में लाएँ। तो विराट कोहली भी इस माइंड गेम को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि क्राउड का बेनिफिट क्या होता है और होम टाउन का बेनिफिट, जो हम होम ग्राउंड का जो बेनिफिट होता है वो क्या होता है। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा भारतीय टीम के लिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। तो आज हमने वीडियो में काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करी है, तो आप अगर कुछ और कंक्लूड करना चाहें तो अपन कर सकते हैं साथ में, फिर और आप कुछ बताना चाहें तो। देखिए कुशल, मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ट सीरीज हारने के बाद इंग्लैंड टीम की पूरी एक जो टीम है वो काफ़ी एक पीछे चले गई है, क्योंकि अगर टेस्ट सीरीज में हर एक मुकाबला रोमांचक होता तो भी हमें ऐसा लगता कि हाँ ठीक है, बहुत कम अंतर से हारी, लेकिन एक तरफा तरीके से बिल्कुल इंग्लैंड की टीम हारी है टेस्ट सीरीज में। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस T20 सीरीज में इंग्लैंड की टीम का पलड़ा थोड़ा भारी है, क्योंकि ये टीम उस टीम से पूरी अलग है। तो हमारे एक्सपर्ट कुशल आर्जेन से आज हमने आज के मैच का हाल जाना, और आज के मैच से पहले किस तरह से ये मुकाबला रहेगा और कितनी ही रोमांचक होने की उम्मीद है इस मुकाबले की, वो हमने कुशल से जाना। और आगे के अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम इन 5 T20 सीरीज़ के हर मैच से पहले आपको इसी तरह का अपडेट देंगे। धन्यवाद।